रेडी स्टार्ट। अपने आसपास के लोगों से सुनी हुई बातें आमतौर पर धारणा बनकर हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा बन जाती हैं। विराम। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक महोदय की 3 बेटियां हैं और एक लड़का है। विराम। चूंकि पुत्र इकलौता है इसलिए वह माँ पिता और बहनों सभी का दुलारा है। विराम। धन। धान्य से परिपूर्ण व्यवसायी उन महोदय के लिए उनका बेटा ही उनके जीवन का केंद्र बिंदु है, जिसका अधिकांश समय बहनों के सानिध्य में बीतता है और उन्हीं के स्नेहहील छाया में जीवन का पाठ पढ़ने के कारण उसके स्वभाव में कोमलता और भावुकता का समावेश ज्यादा दिखती है। विराम। हालांकि यही बात उनके पिता को चिंतित कर देती है। विराम। वे चाहते हैं कि उनका पुत्र रौबदार और मर्दानगी के प्रत्यक्ष गुणों से भरपूर हो और यह उसके आम बर्ताव में झलके। विराम। वे उसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा का उपभोग करने और घर से बाहर अपने हम उम्र साथियों के बीच वक्त बिताने, घूमने फिरने की सलाह देते रहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मर्द घर के बाहर ही अच्छे लगते हैं। विराम। घर के भीतर रहने वाला और माँ बहनों और पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिताने वाला और बात बेबात भावुकता का प्रदर्शन करने वाला पुरुष कमजोर या मऊगा कहा जाने लगता है। विराम। पैरा। दरअसल किसी पुरुष या लड़के के लिए यह शब्द हमारे समाज, विशेषकर ग्रामीण समाजों में एक प्रचलित शब्द है। विराम। इसे भदेश शब्दों के समूह में रखा जा सकता है। विराम। सामान्यतया यह उपमा वैसे पुरुषों को दी जाती है जिनका व्यवहार, स्वभाव, पसंद नापसंद आदि को पुरुष समाज औरतनुमा मानता है। विराम। अगर किसी मर्द के स्वभाव और व्यवहार में कोमलता की भावना अधिक हो, वह फिल्में देखते वक्त, कथा कहानियां पढ़ते हुए या फिर कोई भी ऐसी घटना जो उसके मन को छूती है, वैसी बातें अगर उसकी आंखों में आंसू ला देती है या कहें कि वह रो देता है, तो उसे उसके आसपास के पुरुष मऊगा की संज्ञा से विभूषित कर देते हैं। विराम। हालांकि पितृ सत्तात्मक मानस से ग्रस्त स्त्रियां भी इस तरह के पुरुषों को कमजोर मान लेती हैं। विराम। वैसे लोग भी जो अपने काम के अलावा अपना अधिकांश समय घर में व्यतीत करते हैं, शराब सिगरेट जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं, अनावश्यक लड़ाई झगड़े या अन्य असामाजिक गतिविधियों से बचे रहते हैं, महिलाओं से मित्रतापूर्ण और समतामूलक व्यवहार करते हैं और पत्नी के फैसलों और अधिकारों का सम्मान करते हैं। उन्हें भी समाज में कई बार इसी तरह का तमगा दे दिया जाता है। विराम। एक
बड़ा वर्ग ऐसे लड़कों या पुरुषों को मजाक और हिकारत की दृष्टि से देखता है। विराम, उन्हें कमजोर और कम अक्ल की संज्ञा भी दी जाती है। विराम, साथ ही उन्हें मर्दानगी से मुक्त मान लिया जाता है। विराम, पैरा, यह विचित्र है कि एक पुरुष के स्त्रियों के प्रति समानता और संवेदनशीलता के भाव से लैस होने को मर्दानगी के विलोम तौर पर देखा जाने लगता है। विराम, इस संदर्भ को ज्यादा गहराई से जानने के लिए यह समझने की जरूरत है कि मर्दानगी को हमारे समाज में किन संदर्भों में देखा जाता है। विराम, मर्दानगी का अर्थ है पुरुष, पुरुषत्व और बहादुरी। विराम, यह मर्द शब्द का विश्लेषण है। विराम, मर्द शब्द का एक अर्थ मर्दन करना, कुचलना, नर, पुरुष आदि होता है। विराम, अक्सर हमारे समाज की बनावट में मर्द के खांचे में उसे रखा जाता है जो किसी की परवाह न करता हो, कुछ भी करके जीत हासिल करना जिसकी आदत हो, जिसे अपनी पत्नी की याद सिर्फ सांझ ढले ही आती हो और जो यह मानता हो कि औरत की भूमिका पति की आज्ञापालक के रूप में ही है। विराम, साथ ही उसका अधिकांश समय घर के बाहर चौक चौराहों, शराब और पान की दुकानों, कथित दोस्तों की महफिलों में बीतता हो आदि।